नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोसील के बारे में या अंडकोश में पानी भर जाने की समस्या के बारे में और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेल्स में अंडकोश जो होते हैं उनमें चारों तरफ पानी भर जाने की समस्या को हाइड्रोसील बोला जाता है। यह बहुत ही कॉमन समस्या है। इसमें अंडकोश में जो टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिकल्स के दोनों टेस्टिकल्स के अराउंड में एक झिल्ली होती है या एक लेयर होती है जिसको ट्यूनिका वजाइनलिस बोलते हैं। इस ट्यूनिका वजाइनलिस में पानी भर जाता है या पानी का जो फ्लो है वो नॉर्मल बना रहता है। सीरस फ्लूड का फ्लो नॉर्मली बना रहता है। 1 से 2 ml जो नॉर्मल उसकी क्वांटिटी होती है वो नॉर्मल रहती है, लेकिन जब उससे ज़्यादा उसका फ्लूड का अकमलेशन यानी कि जमाव हो जाता है तो उसको हाइड्रोसील बोलते हैं। इस समस्या को हाइड्रोसील कहते हैं या अंडकोश में पानी भरना आम भाषा में कहा जाता है। इसके जो सिम्टम्स हैं या इस हाइड्रोसील के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोसील में ज़्यादा सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। पेन इसमें एब्सेंट रहता है, पेन नहीं महसूस होता है। और पेन तभी महसूस होगा जब इसमें साथ में कोई अगर इन्फेक्शन है, ऑर्काइटिस या इस टाइप का कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है तभी पेन महसूस होता है। अदरवाइज इसमें पेन महसूस नहीं होता है। इसके जो कारण हैं वो मुख्य कारण जो है इंजरी है यानी चोट लगना है या फिर किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से इसमें जो है वो भी एक कारण हो सकता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से या इंजरी की वजह से इसमें जो है पानी भर जाता है या सीरस फ्लूड बहुत ज़्यादा अकमलेट हो जाता है, तो यह कंडीशन जो है हाइड्रोसील क्रिएट हो जाती है। तो ये था एक शॉर्ट सा जो है हाइड्रोसील के बारे में डिटेल। और इस अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिंस हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन 200। रोडोडेंड्रॉन 200 मेडिसिन को आपको 2 बूंद जीभ पर डायरेक्ट लेना है। हफ्ते में 1 बार लेना है, डेली नहीं लेना है इसको। दूसरी जो दवा है उसका नाम है ग्रेफाइटिस 30 जो है फ्लूड अकमलेशन को या फ्लूड के जमाव को, पानी के जमाव को सोखने में मदद करता है। तो ग्रेफाइटिस 30 का आपको 2 बूंद या ग्रेफाइटिस 30 आप पिल्स में बनवा लीजिए 30 नंबर गोली में, और ग्रेफाइटिस 30 का आप 10 गोली सुबह सुबह 1 बार रोज लीजिए। तो इस ग्रेफाइटिस 30 को आप डेली लेंगे तो पानी जो है जल्दी सूख जाएगा। तीसरी जो दवा है उसका नाम है ऑरम मेटेलिकम 30 जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन का आपको 30 नंबर पिल्स में 10-10 गोली दिन में 3 बार लेना है। 10 गोली सुबह लेंगे, 10 गोली दोपहर में और 10 गोली रात को लेंगे, दिन में 3 बार लेना है। यह जो ऑरम मेट मेडिसिन है यह ऐसे हाइड्रोसील के इन्फेक्शन में या ऐसे हाइड्रोसील के केसेस में बहुत उपयोगी है जो काफ़ी लंबे समय से है या क्रोनिक केसेज हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है। चौथी जो मेडिसिन है उसका नाम है अर्निका मोंटाना 30। अर्निका मोंटाना 30 आप उसी केस में लेंगे जिन केसेस में आपको इंजरी की कोई हिस्ट्री रही हो या चोट लगने के बाद से हाइड्रोसील डेवलप हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में अर्निका मोंटाना 30 आप 10 गोली सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम को दिन में 3 बार लेंगे, जिससे हाइड्रोसील आपका रिवर्ट हो जाएगा या नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये 4 मेडिसिंस जो मेन है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी मेडिसिंस आती हैं होम्योपैथी में, वो एज पर केस जो है अलग अलग वेरी करती है या एज पर केस दी जाती है। तो मेन जो 4 मेडिसिन मैं अपने क्लिनिक में फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।